नववर्ष में लोहड़ी और शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई हूँ, जिसके चलते नाटशाला के संस्थापक व डायरेक्टर जतिंदर बराड़ व साथी कलाकारों द्वारा किए गए स्वागत को देख और भावुक होते हुए कॉमेडियन स्टार भारती सिंह ने कहा कि इतना स्वागत तो उनकी शादी पर उनके घर भी नहीं हुआ था। चार साल तो एक टैलेंट शो कर रही है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, वो आ रहा है, हर्ष दे दो तीन शो आ रहे हैं, तो घर वाले दे आ रहे तो मजाल की किसी और नू ले ले, मैनू ही लेगा। तो असी ये साडा मेन मकसद यही सी कि असी कुछ रिवॉल्विंग स्टेज कर रहे हैं बॉम्बे च शो विच, तो हर्ष ने कहा कैसे कहाँ देख सकते हैं ये वो, मैंने तुरंत याद आया। असी मतलब मैं आना सी 2 महीने बाद, लेकिन असी 5-7 दिन से प्रोग्राम किया, ब्राडसन फोन किया, इन्ने एक्साइटेड हो गए, उन्होंने सामने हो इन्ने सारे फोन आए किन्ने बजे पहुंच रहे हो, इन्ना अच्छा लगे ना, मतलब पुराने लोग, मजा आ गया है। बिल्कुल होना चाहिए, कपिल भाजी मार्च से आ रहे हैं, और आई एम सो सॉरी भाजी, पर मैं लगता कि जिस वास्ते असी आए हैं शो वास्ते नाटशाला वास्ते असी उही गल करिए, सडनली तुसीं तां बॉम्बे वाले प्रेस वाले वांगू गल कीती है ना कि उत्थे बम फटिया ते नाले उधर गल कहते कि उधर रेड़ी जिहड़ी डिगी उहदा की है, ते मैनूं इह कि असी अज दी गल करिए, अज बहुत खुश हां मैं, और मैं कदेसन पहला भी जो हुंदा सी मैं इत्थे हुंदी सी, पर मैं कदी वह प्ले वेख नहीं पाई, ते अज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं, और मैनूं इस तों ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हर्ष नूं पंजाबी पूरी आंदी है, मतलब मेरे नाल ज्यादा वधिया पंजाबी गाने बोल लैंदे कर लैंदे है। अज हर्ष भी प्ले वेखन गए, और हर्ष ने कहा सी की हुंदा कदेसन, ते मैं कहा आप देखना फिर आप बताना आपको समझ आया कि नहीं। बिल्कुल सर करेंगे, हमको तो बिल्कुल जब मौका मिलता है, मैं पहले बोल देती हूँ कि यहाँ पे अमृतसर, क्योंकि जब से हम लोग, मैं सुदेश जी कपिल जी यहाँ से गए हैं सर, आप सबसे पहले ऑडिशन अमृतसर में होते हैं, उनको लगता है कि बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट लोग यहाँ पे, जो कि सही बात है, और कभी कभी हम भटक जाते हैं कि हमको लगता है कि शायद मैं एक्टिंग कर सकती हूँ पर हम नहीं कर पाते, मैं डांस कर सकती नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगी, हर्ष भी यही कहते हैं कि हमें जो आता है ना वही करना चाहिए, क्योंकि हाँ जी है ऐसा हो सकता है भाई, नहीं बुलाए, बुलाए लेकिन उनकी फिल्म का थोड़ा चल रहा था, प्रमोशन थे, तो वो शादी से बड़ी उनकी चीज चल रही थी, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात, कोई चांस नहीं मेरा, कभी नहीं देखेंगे आप मुझे, क्योंकि मैं टीवी बहुत, मैं छोटे पर्दे की आर्टिस्ट हूँ, मुझे लगता है कि फिल्में आप करते हो तो हर किसी के पास 300-400 रुपए नहीं होता टिकट खर्च के जाने का, लेकिन टीवी एक ऐसा माध्यम है कि डिश लगाओ केबल में, 200 रुपए भरो, एक महीना पूरा देखो, तो आज बड़े बड़े स्टार चाहे बच्चन साहब हो चाहे माधुरी, सब जज बन के उधर आ रहे हैं टीवी पे, तो हम तो है ही टीवी वाले, तो टीवी में रहे, फिल्में अच्छी मिलेंगी कोई तो फिर देखेंगे। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं, बस मैं 1 महीने में गई थी हनीमून के लिए, 1 महीना गई थी, ए कंट्रोवर्सी कर देना, यूरोप गए थे, बहुत हमने मजा किया, घूमे बहुत, कई चीजें वहाँ पे, बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं, वहाँ का थिएटर देखा, बहुत अच्छे लोग हैं, और अक्सर हम ब्राड सर के मुँह से सुनते थे कि ब्रॉडवे होता है ब्रॉडवे, तो मैं और हर्ष ब्रॉडवे के बहुत बड़े फैन हैं, हमको वो भी सब जानने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि 6 बजने वाले हैं, और हमको भी पता सारे आर्टिस्ट पर्दे के पीछे तैयार होते हैं, और टाइम यहाँ 6 बजे शुरू हो जाता है, चाहे आंधी आए तूफान, तो इस तो पहला भाजी तूफान आ जाए, चलिए अंदर।